गुड मॉर्निंग। ये हमारी जगेरी पे बना हुआ एक दो और तीन रूम बनाए हुए हैं, कोठड़ियाँ बोल दो इनको, या साधुओं की रहने की जगह थी। आज से 50 साल पहले मेरे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पे साधु रहते थे, यहाँ पे बड़े बड़ी धुइयाँ जलती थी सर्दियों में, और यहाँ पे देशनोग और नापासर बीकानेर से साधु आके यहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, यहाँ पे भोज होते थे बड़े बड़े। तो ये एक स्थल रहा है ऐतिहासिक कालू का, देखने लायक चीज़ है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे अभी तो थोड़ा मॉडर्निटी के साथ दिख रहा है आपको। और यहाँ पे एक टैंक था जो पानी की इकट्ठा करने के लिए, ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में जो दिख रहा है बना हुआ छोटे से पाइथन के साथ, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था बारिश का, और पानी यहाँ चलता था। पानी की कोई पहले व्यवस्था नहीं थी, अभी तो यहाँ की पंचायत ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सुंदर टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे लोग जो विचरण करने के लिए घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। बहुत बड़ा स्पान है यहाँ पे राजस्थान में, जगह की कमी नहीं लगती। मैंने तो शहरों की ज़िंदगी देखी है जो बहुत ही एक कंजस्टेड है, जहाँ पे आदमी बस समझ लो आप भीड़ के ही चल रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर के चल रहे हैं। ये खुला पूरा का पूरा खुला, देखिए आप दूर तक, लोग कहते हैं स्पेरो को बचाओ, यहाँ पे हजारों हजारों स्पेरोस हैं, ये देखो विचरण करते हुए दिखेगी आपको यहाँ पे जगेरी पे, इतना मस्त है। स्पेरो है, डव है, लॉन्ग टेल्ड स्पेरो है, ईगल्स हैं, क्रोज हैं, पीजन्स हैं, आपको आनंद आएगा यहाँ पे। देखो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप सुनने की कोशिश करिए। यहाँ पे जब जोगी लोग जगेरी में आते थे, मुझे लगता है इसी चीज़ का एहसास रहा होगा, और इसमें आनंद मैं होके अपने साधना करते होंगे। ये इस साइड कालूग्राम की एक दृश्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।